भारत आज अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई के साथ की। साथ ही पीएम ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, बलिदान और त्याग देने वालों को नमन किया। उन्होंने कहा, मैं भारत की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाली सभी बहादुरों को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में समाज के चौमुखी विकास का संकल्प एक बार फिर दोहराया। उन्होंने अपने संबोधन में श्रमिकों से लेकर देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मणिपुर की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पूरा देश मणिपुर के साथ है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें मां बेटियों का सम्मान भंग हुआ था। हालांकि अब वहां पर शांति की स्थिति बन रही है और समस्याओं का समाधान शांति से ही निकलेगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद कुर्ता और चूड़ीदार के साथ बहुरंगी राजस्थानी बांधनी प्रिंट का साफा पहने हुए थे। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कविता भी सुनाई। चलता चलता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीरे चले वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही रीति नहीं, गति सही राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी मणिपुर में शांति की ओर बढ़ते कदम। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में हिंसा की चर्चा करते हुए कहा कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई इनमें मां बेटियों के सम्मान का अपमान हुआ। हालांकि अब वहां पर शांति की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान शांति के माध्यम से ही संभव हो सकेगा। केंद्र और राज्य सरकारें समाधान की दिशा में सहायता कर रही हैं। भ्रष्टाचार के राक्षस को रोका, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इस क्षेत्र में उनके प्रयास जारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व के मुकाबले भारत में महंगाई दर कम है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था है और इसका श्रेय 140 करोड़ भारतवासियों के प्रयासों को जाता है। उन्होंने ये भी जताया कि भ्रष्टाचार के राक्षस ने देश को अपनी गिरफ्त में लिया था, लेकिन उनकी सरकार ने उन्हें रोक कर मजबूत अर्थव्यवस्था की स्थापना की है। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि हमारे पास जन सांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता है। देश के पास एक बार फिर स्वर्णिम भविष्य की नींव रखने का सुनहरा मौका है और ये उस समय के लिए निर्णय की नींव हो सकती है जो आज लिया गया। उन्होंने कहा कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल बनाएगा तो भारत का झंडा विकसित भारत का झंडा होना चाहिए। इसके लिए हमें सुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को महत्व देना होगा। यह हमारा सामूहिक कर्तव्य होगा। प्रधानमंत्री ने पिछले 75 सालों के इतिहास के आधार पर दिखाया कि भारत की साम्राज्य की आधारित होकर 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ बाधाएं हो सकती हैं जिनका हमें सामना करना होगा। G20 सम्मेलन से प्रकट हुई भारत की विविधता। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के माध्यम से बदल रहा है। भारत की क्षमता और संभावनाएं नई ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। आज भारत को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का मौका प्राप्त हुआ। भू राजनीति की परिभाषा बदल रही है। प्रधानमंत्री ने उत्कृष्टता का अनुसरण करते हुए कहा कि COVID-19 महामारी के परिणाम स्वरूप एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसमें भू राजनीति की परिभाषा भी बदल रही है। उन्होंने ये भी दिखाया कि भारतीय जनता के साम्राज्य को मद्देनजर रखते हुए नई व्यवस्था को आकार देने का समय आ गया है। आगामी महीने से शुरू होगी विश्वकर्मा योजना। पीएम मोदी ने देश में पारंपरिक कौशल के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से अगले महीने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 15,000 करोड़ रुपए से की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत छोटे व्यवसाय और कारीगरी से जुड़े लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी। लखपति योजना की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि देश के 2 करोड़ ग्रामीण महिलाएं लखपति बने। इसके लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लखपति दीदी योजना को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट हमारे देश में है। आवास की योजना और ग्रामीण विकास। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास के संदर्भ में कहा कि उन्होंने भारतीय सीमा क्षेत्र में वाइब्रेट बॉर्डर गांव को देश के आखिरी गांव कहा था, लेकिन इस मानसिकता को बदल दिया है। उन्होंने दर्शाया कि ये गांव अब देश का आखिरी गांव नहीं बल्कि ये उनके देश का पहला गांव है। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि सीमावर्ती गांवों के 600 प्रधान हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि विकसित भारत के दिशा निर्देश के रूप में महिला नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने गर्व से बताया कि आज भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सबसे ज्यादा पायलट महिलाएं हैं। चंद्रयान मिशन में भी महिला वैज्ञानिक नेतृत्व कर रही हैं। G20 देश भी महिला नेतृत्व के महत्व को मान रहे हैं। भ्रष्टाचार के
खिलाफ लड़ने की आवश्यकता। पीएम ने बताया कि विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने के लिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है, हमें परिवारवाद के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है और हमें तुष्टिकरण के खिलाफ भी लड़ना होगा।